अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्कान खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सदाम हुसैन। तो दोस्तों, तेजी से जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो का टाइटल पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं चलने वीडियो। वीडियो का टाइटल है क्या है? सुहानी शाह, ललन टॉप चैनल। आ जाओ सौरभ, ये तुम्हारा लास्ट टेक, तुम्हारे इस बार अप्रेजल कितना होने वाला है पता चल रहा है। आ जाओ सब जन आ जाओ। आओ भाई, शर्ट लगाई थी यूपीआई पिन का। दद्दा सूरज दद्दे, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन मी हियर? आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक ऑफ किसी जगह के बारे में। बट ये फनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी जगह के बारे में, जगह के बारे में, ठीक है। ये हो सकता है कोई सिटी, या ये हो सकता है जैसे एयरपोर्ट, या ये हो सकता है न्यूज़ रूम, ये हो सकता है बाथरूम, ये हो सकता है इंदौर भोपाल, कुछ भी। सबके मन में ये नहीं सोच रहे? हाँ, अभी सोचा। ओ मेरी बंदी है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि सब लोग सोचेंगे एक एनिमल के बारे में, कोई जानवर के बारे में। आप नहीं सोच रहे हो, सोचो। आप ही आओ इधर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड आप इधर आएंगे, ओके? इट कुड बी एनी थिंग, राइट? बहुत सारे ऑप्शन में से यू चोज वन, थिंक अबाउट द वन यू चोज, ठीक है? ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैं पेपर पेन पे लिखूंगी तो प्रॉब्लम होगा, तो पर मैं आपको कैसे बताऊ? नहीं नहीं, इनको नहीं, मैं कैसे बताऊ आप लोगों को अगर मैं पेपर पेन यूज ना करूँ तो? ये ले। वो व्हाइट बोर्ड दे दो, ऐसे बड़ा लिखती हूँ सबके सामने। yeah, भाई, white board. Let's see if this works out well. कहाँ है व्हाइट बोर्ड? या ये दे दो, चलो ये दे दो। मार्कर है अपने पास? ये लो, आ गया। मार्कर है, मार्कर मार्कर भी होना चाहिए। मार्कर दीजिए, ये रखिए, मैं आपको बोलती हूँ आप लिख देना। We'll start with you. Silence. ऐसे आ जाए? No, no. मैं उनके पास जाती हूँ। दीपक तो करेंगे। इधर आ जाएंगे प्लीज। ये मेरे पास लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज है, विराट कोहली, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, सब अलग अलग है। आई वॉन्ट टू ओपन ऑन एनी वन पेज, हैव अ लुक एट इट, यू कैन टेल, जस्ट ओपन ऑन एनी वन पेज। व्हाट डज इट से? लालू प्रसाद यादव। वी कम टू यू। आई नीड टू थिंक ऑफ एन एनिमल। यस, I'll write this later. I'll write yours first. This better be right now. This better be right. What are you thinking of? Angoor. Wow. Welcome to you. ठीक है। पर तू रवि, बोल दे।
क्यों लिख रही हूँ मैं? पता नहीं क्यों, जस्ट रैंडमली मेरे दिमाग में आया है। रवि क्या सोच रहे हो? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोनाली बेंद्रे। सर भी नहीं सोच रहे हैं। नहीं तो आपको क्या सोचना था? इनको जगह सोचनी थी, व्यक्ति सोचना था या सोनाली बेंद्रे? हाँ नहीं, वो जाइए वहां पे, जाइए जाइए वहां पे जाइए। अच्छा मैं जाऊं? फ्रेम उठाइए। फ्रेम उठाइए। तो प्यार से उठा रहे हैं। मेरी दोस्त है, प्यार से उठाऊंगा। टर्न इट अराउंड। ओ गॉड, क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे ये क्या सस्पेंस हुआ दिखा है? वाओ, ओ गॉड, मैंने नहीं बोला था आपको ये सोचने को, करेक्ट? आपको मैंने नहीं बोला था ये सोचने को, इट वॉज योर चॉइसेस। कैन सम वी कैन कीप दिस अप योर मार्कर देंगे? मार्कर मार्कर मार्कर, ठीक है। सो सबसे पहले गरिमा ने बोला लालू प्रसाद यादव, करेक्ट? रजत जी आपने क्या सोचा? लंगूर। कोई भी एनिमल, इतने सारे जानवर है दुनिया में, कोई भी चूज कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, चूज लंगूर। कोई भी जगह आप चूज कर सकते थे, करेक्ट? आपने चूज किया टॉप ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट? अब हमें लगता है कि ये इनकी चॉइसेस है, ये कुछ भी सोच सकते थे। मैंने पैसे नहीं दिए आपको, मैंने बोला नहीं ये बोल देना, मेरे लिए एक्टिंग कर देना, करेक्ट? नाउ ये तो लल्लन टॉप है। कोई भी वर्ड्स आ सकते थे, नहीं यही वर्ड्स आने थे, क्योंकि द फर्स्ट थ्री लेटर्स एक्चुअली मेक लल्लन टॉप। LALANTOP, लल्लन टॉप। थैंक यू सो मच लल्लन टॉप फॉर हैविंग मी। जी जनाब, क्या कहेंगे आप जी? अच्छा पहले तो ये कि मैं तो इन्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बाकायदा संदीप महेश्वरी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने भी इनको अपने चैनल पे बुलाया। किस न्यूज़ चैनल पे सुनहाली सुहानी शाह नहीं आई है, बाकायदा वहीं पे बैठ के जो भी ये कहती है। अच्छा चार चार आठ आठ लोग बैठे हुए, और भी बेशुमार इनकी वीडियोज़ हैं, तो मैं तो इनकी काफ़ी वीडियो देख चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में ना बड़ी कंफ्यूजन है कि वो पिक्चर के पीछे टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों लिखा गया था। वहीं से ही तो शक, ठीक है, उससे थोड़ा सा इन दोनों को ना थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, यकीन नहीं आ रहा। मैंने इनकी काफ़ी देखी, ये देखिए इनकी और वीडियोस पड़ी हुई हैं, न्यूज़ चैनल वाले इनसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, इनको शो में बुला के पूछ रहे हैं, कुछ बंदे बैठे हैं उनसे पूछ। अरे एक और चीज़ याद आई, एक वहाँ पर है बाबा भागेश्वर धाम, बाकायदा पूरे मीडिया वाले भी वहाँ पहुँचे हैं, उसका बहुत बड़ा एक वो लगता है, तो वो भी कोई भी बंदा उनके पास आता है उसका पर्चा लिख देते हैं वो, तुम इसलिए आए थे, तुम्हारा ये मसला है, तुम्हारी ये समस्या है, फिर उसका पर्चा सुनाते हैं वो। पूरे मीडिया वालों ने उनको कवर करने की कोशिश की, उनका राज फाश करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। उनको उनके बारे में भी मीडिया वालों को भी बुला लेता है, तुम इसलिए आए थे, और बाकायदा उनके जो आश्रम में उसके लोग बैठे होते थे ना, बाकायदा उनको उठाया, आवाज दी कि फलाने उसमें एक बंदा बैठा हुआ है उसको बुला लो। चलो फिर वो आया, तो आप तो इसलिए आए थे। इतनी वायरल वीडियो, बाबा भागेश्वर धाम लिखोगे ना तो उनकी वीडियो आएगी, वो भी देखेंगे। तो वो अच्छा उनका और इनका भी बड़ा वो चल रहा है कि वो भी इस तरह कर रही है, तो मुझे इनसे वो याद आ गया। खैर ये बहुत वायरल है। अच्छा इस वीडियो से ये संतुष्ट नहीं हो रहे, तो ये अपना बताएंगे, वो अपना बताएंगे, तो आप अपना बताया कि आपको कहाँ गड़बड़ लग रही है। वैसे मैंने बता दिया कि ये बहुत वायरल है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्यों कंफ्यूजन हो रही है आपको कि यार ये तो फेक लग रही है या क्या है?
हाँ मुझे तो बस फैक्ट लग रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसे कोई बता सकता है ये फ्रेम के पीछे फिर ये सारी चीज़ें, ये तो मुझे लग रहा है इसे वीडियो के हिसाब से वीडियो बनाने नहीं, शायद उनके, नहीं अपनी राय दें उसे। हाँ ये वीडियो बनाने के लिए ये सब कर रही हैं ताकि वायरल हो या लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देखें। शायद ये भी हो सकता है कि इनका इन्होंने दिमाग में यही सोचा होगा कि मुझे ये करना चाहिए ताकि लोग देखें। और मैं क्या बता सकती हूँ, ये कहती हैं साइंस एक बात ये है कि शायद आप मुझसे ये वीडियो देख के मतलब पूछना चाह रहे हैं, वीडियो के हिसाब से ये है कि पहला ऑप्शन फिर भी किसी हद तक समझ में आया लंगूर वाला कैसे जज किया उसने सबका भी कह सकते हैं। दूसरा ये लेकिन दूसरा टोटली फेक है तकरीबन, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो फिर इसकी जगह हाँ बाई चांस जैसे कि कोई जैसे तस्वीर के ऊपर किसी में लिखा हुआ है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो भी शायद कहीं समझ ये है थोड़ी स्पेशल लिखा हुआ है, वो एक टेप लगा के वाइट कलर के उसके ऊपर लिखा टॉप ऑफ द वर्ल्ड और सेम वही लिखा हुआ है, कैपिटल भी चेंज नहीं किया। हमारे घर में भी फ्रेम होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं पीछे के ना, ना क्यों लिखेंगे भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पापी चूलो भी लिख सकते थे, पापी चूलो हाँ जी पापी चूलो हाँ कुछ कुछ होता है बिरयानी भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। तो ये है कि इनको थोड़ा डाउट है तो इनको कोई और वीडियोस भी हमें इसकी मजीद जो है वो वीडियोस देखनी पड़ेगी, इनको बेचैनी हो गई। अच्छा बाबा बागेश्वर ड्रेसिंग उसने अच्छी की हुई है वो मैं ड्रेसिंग उसने अच्छी की है, मैंने कहा लड़की देख लो और कुछ क्या करे, पढ़ी लिखी होगी बेचारी हम वही नहीं। वैसे ये काफ़ी बोल्ड माइंड की हैं और ड्रेसिंग व्रेसिंग भी ऐसी अच्छी करती हैं, मतलब ये गोल्ड माइंड की हैं वो गोल्ड माइंड की हैं हम बोर माइंड के। तो खैर बहुत अच्छा लगा, और कोई और वीडियो आप सजेस्ट करें जिससे इनको संतुष्ट करें इनको पता चले, और मैं अब इनको नेक्स्ट वीडियो में मेरा दिल करा मैं इनको दिखाऊँ बाबा बागेश्वर धाम की कोई। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे सामने हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।